सकते हैं मेरा ये लेग्स का कलर चेंज हो गया, रेड रेड हो गया है, क्योंकि इसकी गर्माइश की असर अभी मेरे लेग्स पे पड़ी नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम मौजूद हैं डरकोट हॉट स्प्रिंग पे। तो आज की इस व्लॉग में हम आपको इस हॉट स्प्रिंग की क्या मतलब क्या खासियत है और यहाँ तक का सफ़र कैसा है वो आपको दिखाएंगे। तो अलकर्मी फाइनली पहुँच चुका है। और अलकर्मी, आज की वेदर अपडेट्स के बारे में बताया, वेदर कंडीशंस के बारे में। आपने मतलब कोट भी चेंज किया, क्या वजह? ऊपर तो पूरा बादल छाए हुए और हल्के हल्के बारिश भी हो रही। जो रास्ता था बहुत हार्ड था, इस वजह से जैकेट उतारना पड़ा। अच्छा, मौसम भी ख़राब है, हल्की हल्की बारिश हो रही है इधर। कहाँ पे जाना हमने? अच्छा, अभी हम ये ट्रैक लेके वो जो पानी आ रहा है नज़र, वहाँ पे हमारा हॉट स्प्रिंग है, वहीं जाएंगे स्विमिंग करेंगे। ओ, वहाँ जाके आपको बताएंगे कि ये मेडिसिन के तौर पर यहाँ की लोकलिटी जो है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। वहाँ जाके हम, ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा है या खानाबदोश की ज़िंदगी में ये सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यही चीज़ है। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच से हम अभी गुजर रहे हैं आगे गर्म चश्मे की तरफ। और असली ट्रैक तो यहाँ से शुरू होनी है, क्योंकि यहाँ तक जब हम आए थे बिल्कुल प्लेन ट्रैक था, और यहाँ से अभी जहाँ हम जा रहे हैं फुल चढ़ाई चढ़ के। तो भाई स्टेमिना का तो अभी पता चलना है किस में है कितना दम। शाहिद तो हिम्मत हार चुका है। गाइस, यहाँ की मुझे पता चला कि ये जो जगह है ना, ये भी कश्मीर से कुछ कम नहीं है। देख ले कितनी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे जंगली घोड़े। प्यार किया कोई जादू नहीं की, चुप चुप कैसे डरना क्या, जब प्यार किया तो क्या। हम इस नेचर से प्यार कर बैठे हैं भाई, अब जैसे भी रास्ता आ जाए हमने चढ़ के जाना है, चाहे हमारी जान ही क्यों ना जाए भाई। हाय हाय हाय, क्या ख्याल करी मैं? वाह 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 वाह। अगर लैंडस्केप की बात करें तो ब्रॉड बहुत ही खूबसूरत है। देखें दे, यहाँ से आप इस साइड से आप इश्कोमिन भी जा सकते हैं, फिर ये एंग्री पीक हो गया हमारा फ्रेंड जो कि बादल में छुपा हुआ है, खुद को नहीं दिखा रहा, शर्म हो गया आज। और ये गरम चश्मा, तो दोस्तों ये होती है एडवेंचर। यार बड़ी मेहनत के बाद मैं ये लकड़ लाने में कामयाब हो गया, इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसी ट्रैक पे आते हो तो ऐसी जगहों में लकड़ की थोड़ी कमी बेशी होती है, इसलिए अपने साथ गैस ले आएंगे तो ऐसी चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। सो दोस्तों, अभी हमारी चाय बन रही है, बस कुछ ही देर में उबल जाएगी। और सामने आपको ग्लेशियर नज़र आएगा, और इस साइड पे आपको डिफरेंट वाटरफॉल्स नज़र आएंगे। और ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग यानी दरकुत का जो फेमस पिकनिक पॉइंट है जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। इस वक्त हमारे नीचे इस साइड इतना बड़ा खाई है, आ जाए हमारे टीम खानाबदोश को, आप भी ज्वाइन करें और हमारे साथ इसके पहाड़ ये जो शायद है उनको एक्सप्लोर करें, और इस तरह की देसी खुराक से अपना खुद को लुत्फानंदोज। देखे भाई कितनी खाई है नीचे, और साथ ये ग्लेशियर का व्यू आप देख सकते हैं, और नमकीन चाय। नमकीन चाय क्या बात है, जहाँ हम वहाँ नमकीन चाय। तो ये सीन होती है दोस्तों।
दरकुत से 3 घंटे लगे यहाँ तक और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेन दरकुत से यहाँ पहुँचने तक। और ट्रैक तो आपने खुद देख लिया। ओ भाई यहाँ आ सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, आप स्टे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे छत है, बारिश होगी या बर्फबारी भी जो भी हो आप लोग ईजी फील करोगे क्योंकि यहाँ पे सर छुपाने के लिए जगह है। और यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको गर्म चश्मा का व्यू पॉइंट आपको नजर आएगा। वाह यानी एक सल्फ्यूरिक मतलब एक स्मेल आ रही है और आप खुद देख ले। फाइनली हम इस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं और इस पे मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ, इतना गर्म है। और अगर कैमरा सही से दिखा सकता तो यहाँ पे देखो आपको येलो कलर की यानी ये चीज़ें आपको नजर आएंगी, ये देख ले येलो कलर पूरा, तो ये सल्फर है, इसकी स्मेल बिल्कुल सल्फर। तो मेरे ख्याल में अगर इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड मेरे ख्याल में सल्फर का वाटर के साथ रिएक्शन करके ऐसा कुछ रीज़न होगा, इस वजह से ये पानी बहुत ही गर्म है। अभी टेंकी में पानी भरेंगे, इसको वॉश करेंगे, हाँ जब ये साफ सुथरा होगा फिर इसमें दोबारा पानी इंटर करेंगे। वहाँ इसको चारों तरफ से हमने वॉश करना है, दीवारों के साथ पानी लगा होता है सही तरह से साफ हो जाए। ये भी बता दें हम व्यूअर्स के लिए कि ये जो कौन से दर्द के लिए दवा है। हाँ मैंने तो सुना है कि ये जोड़ों की दर्द के लिए, खासकर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, जो हाँ पेन जो मतलब जिनकी एज थोड़ा निकल जाती है ना उनके घुटनों में अक्सर दर्द होती है, तो ये घुटनों के लिए बड़ा मुफीद है कहते हैं। दूसरा ये कि यानी जो क्या कहते हैं यार शायद मतलब दाग वगैरह निकलता है ना, आपको दिखाता चलूँ मैं इसलिए आया हूँ, एक तो मैं आपको ये दिखाने ले आया हूँ, दूसरा मेरा यहाँ पे देखो पाँव में एक दाग है यहाँ पे, तो ये काफ़ी पुरानी दाग है, तो देखते हैं और रास्ते में हम किस हद तक मतलब इसको रिमूव करने में बहुत साबित कदम हो सकती है। तो डिफरेंट मतलब टाइप के मतलब क्या कहते हैं अमराज के लिए ये दवा है, शफाफ है, शफाफ। जितने भी पेशेंट्स हमें मिले रास्ते में उन सब का कहना था कि उनके घुटनों में और यहाँ पर दर्द होता था और कमर में, अगर आपका कोई जख्म हो यहाँ पे इंजरी है तो आपने बिल्कुल इसमें ट्राई नहीं करना है क्योंकि ये जख्म के लिए नहीं है, ये इंटरनल जितने भी है बिल्कुल शफायाब होते हैं। जो यहाँ से स्विम करके गए हैं उनका 100% एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा यहाँ इस गर्म चश्मे में स्विम करने के बाद आपने क्या करना है, फौरी तौर पर अपने आप को पूरी तरीके से कवर करना है क्योंकि ठंडा नहीं होना, जब आप ठंडा हो जाएंगे तो ये आपके लिए दवा नहीं होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो भी सूखे आपके पास जो भी है उसको पहन के खुद को क्या करना है, गर्म रखना है। ये हमारी फाइनल एक्टिविटीज़ है, शायद कैसे फील कर रहे हो यार? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा गर्म चश्मों में स्विम करने का, अजीब सा फील हो रहा है जैसा आपने बताया वोमिटिंग का कोई इशू चल रहा है। बिल्कुल मैक्रोनी इसलिए मैंने पकाया है मैगी ताकि ये खा के थोड़ा एनर्जी आ जाए। वाह 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 भाई तैयार है? रेडी है ब्रो। सो गाइस बड़ी फैंटेस्टिक वेदर थी आज की और हमारा जो टूर था वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का था, बहुत एंजॉय किया इस ट्रिप पे। और स्पेशली हमारा थोड़ा मतलब तबीयत ख़राब हो गया आफ्टर मतलब हॉट स्प्रिंग, यानी आई थिंक कि हम ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रुके थे इस वजह से। सो नाफ वी आर फाइन, तो शायद मैगी बना रहे इसको खा के हम आपसे अलविदा चाहेंगे इस जगह से और उम्मीद करते हैं कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने इसी जगहों पे विज़िट करना है तो कमेंट बॉक्स में आए और हमसे रابطہ करें। सो वी आर हियर टू होस्ट यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।